भाई पहले तो शायद आपने कहा कि बाबर रिजवान आज रेस्ट कर रहे हैं, ये वो 35 ओवर में फील्डिंग करने आए और फिर लास्ट 15 ओवर बाबर ने कप्तानी भी की, कप्तानी भी की। उसके बाद बाबर ने जिन्होंने कहा था कि मैंने खेलना ही नहीं आज, वो बैटिंग करने आ गए। विराट की लोग पाकिस्तान में करते थे ना, विराट की तस्वीर लगा के और फिर बाबर को क्रिटिसाइज करते थे। आप बोल रहे हैं ये तो बाबर ने आज पानी भी पिला दिया। हाँ, ऑप्टिक्स, उन्होंने आकर पानी भी पिलाया। फिर उसके बाद उन्होंने बैटिंग नहीं करनी थी बट चार आउट हो गए तो बैटिंग भी करने आ गए, जो कि बुरी बात नहीं है, मैं जनरली एक बात कर रहा हूँ, ठीक है। और बाबर ने आज क्या किया, हालांकि देखो बाबर और इफ्तिकार की पार्टनरशिप हुई, बट उस वक्त सबने देखा यार डेविड वार्नर अपना बॉल कर रहे हैं, स्टीवन स्मिथ बॉल कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया कैच भी छोड़ रहा है, तो हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, बट रन उन्होंने मारे। अब इफ्तिकार हो गया आउट, अभी तो पाकिस्तान चेस भी कर सकता है, जो हालात है 90 रन पे वो रिटायर आउट होके चले गए, रिटायर्ड आउट, रिटायर हो गए 90 रन पे, रिटायर्ड आउट। सो उन्होंने मैसेज दे दिया आज सबको, ये लो मैंने पानी भी पिलाया, ये लो मैंने 90 पे छोड़ भी दिया। जी तो फ्रेंड्स, पाकिस्तानी टीम अपने मुसलसल दूसरे वार्म अप मुकाबले में भी ऑस्ट्रेलिया से हार चुकी है। आज की हार पर आपकी क्या राय है, क्या पाकिस्तानी टीम आज का मुकाबला जीत सकती थी? बाबर आजम की बैटिंग आपको कैसी लगी? इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद नवाज की बैटिंग के अलावा टीम पाकिस्तान की परफॉर्मेंस आज के वार्म अप मुकाबले में आपको कैसी लगी? लाइक करने के साथ ही कॉमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।